दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय ठाकुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ढलियारा। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद धर्मशाला की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन अब स्मार्ट सिटी को आईएएस अधिकारी संदीप कदम के तौर पर प्रबंध निदेशक मिल जाने से स्मार्ट प्रोजेक्ट पर कामकाज शुरू होता देखा जा सकता है। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए शहर के नामी सरकारी भवनों पर लंबे अरसे से लग रहे सोलर पावर प्लांट को पूरा करके दिखा दी है। संदीप कदम ने पहले चरण में 1,59,00,000 के सोलर पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही है। पहले चरण में उनकी ओर से सबसे ज्यादा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में 200 किलोवाट, शिक्षा बोर्ड के भवन की छत पर 100 किलोवाट, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सामुदायिक भवन की छतों पर 20-20 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं और जल्द ही इनका उद्घाटन भी करवा दिया जाएगा। बहरहाल अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शुरू हो रहे कामों को देखते हुए धर्मशाला वासियों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पंख लगते दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी और ये जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जीज है, इस पर काफ़ी सारा फोकस है और इसी के तहत धर्मशाला स्मार्ट सिटी ने सोलर पावर प्लांट्स का प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें हमारा टारगेट है कि हम 1,000 किलोवाट तक इसमें बिजली निर्मित करें। अभी के लिए हमने फर्स्ट फेज में 342 किलोवाट का 4 बिल्डिंग्स के लिए टेंडर किया था। उसमें से मैं यहाँ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 3 जो बिल्डिंग्स है, जो आपकी एमसी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कम्युनिटी हॉल है और एजुकेशन बोर्ड की बिल्डिंग है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, इन पे कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ही इसमें स्टेट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की इंस्पेक्शन के बाद हम टेस्ट जनरेशन भी इसमें शुरू कर देंगे। सर, ये जो बिजली तैयार होगी इसका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाएगा और किस तरह से इसका लाभ मिलने वाला है? ये जो सोलर पावर प्लांट्स बने हैं, इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दीज आर ऑन द ग्रिड प्रोडक्शन पावर प्लांट्स। इसमें कहीं पे भी बैटरीज नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली ग्रिड पे ये बिजली जाती है। तो ये जहाँ पे भी जो बिल्डिंग्स है वो इस पावर को पहले कंज्यूम करेगी और जो बची हुई पावर है वो डायरेक्टली ग्रिड में ऐड होगी। तो जो भी बिल्डिंग्स पे लगा हुआ है उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसके अलावा भी सर, आने वाले टाइम में ये जो बिजली तैयार करने का जो माध्यम है, इसको स्मार्ट सिटी में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इस पर कोई फ्यूचर की भी कोई प्लानिंग है? जी ज़रूर, हम इसको और एक्सपांड करना चाहेंगे और अधिक जगहों पर इसको लगाना चाहेंगे। तो अगली फेजेस के लिए भी हमारा कार्य इसमें चला हुआ है और शुरू है और ये क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक तरीके की एनर्जी है, उसमें हमें कार्बन क्रेडिट भी हम ले सकते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट्स इसमें कम होते हैं इस एनर्जी से, तो आगे हम इसमें और प्रयास करेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ठाकुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा, छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, बीएड, एमएड, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथ्स, एमकॉम, डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए आए ठाकुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। स्कॉलरशिप फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, आईआरडीपी। यदि आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य और शारीरिक विकास चाहते हैं तो आइए ढलियारा पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग भी सिखाई जाती है। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें।